हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। सो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज, कमेंट और रिक्वेस्ट आ रहा था कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो क्लास ट्वेल्थ झारखंड बोर्ड का होगा उसमें मैथ्स में क्या पढ़ें। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट का रिजल्ट ख़राब हुआ है। कुछ अच्छे स्टूडेंट भी थे जो कि अच्छा करने वाले थे, लेकिन अब एक्स वाई जेड जो भी रीज़न हुआ हो उसके वजह से भी रिजल्ट ख़राब हुआ है। और कुछ एवरेज स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट थे जो कि उतना अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे और इस वजह से रिजल्ट ख़राब हुआ। तो जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं उनको तो पूरा पता है कि किस तरीके का पढ़ना है, और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आपका रिजल्ट अगर ख़राब भी हो गया है तो भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप में है पोटेंशियल, मेहनत करिए। और अगर आप थोड़ा अपने आप को एवरेज स्टूडेंट या मीडियम स्टूडेंट मानते हैं और चाहते हैं कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप अच्छा करें, तो मैं कुछ आपको सजेशन दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आप ये पता कर पाइएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है, डील करना है, किस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। ये है BSL एकेडमी, हम आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग पहुँचते हैं। देखिए, सबसे पहला अटेम्प्ट आपको रखना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन पे, LPP जिसको बोलते हैं, लास्ट में है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 9th क्लास में आप इस तरीके का पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो एकदम आसान है और 6 नंबर दे करके जाएगा। तो सबसे पहला अटेम्प्ट आप इसी को करिएगा, ठीक है। सबसे पहला अटेम्प्ट आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को करना है। अगर आप आधा घंटा प्रैक्टिस कर दिए, इसका मतलब ये है कि 6 मार्क्स एकदम बुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे आपको करने के लिए बाइनरी ऑपरेशन। ऑल दो ये 1 मार्क्स का ही आता है, लेकिन एकदम सिंपल होता है। A*B = A+B है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2*3 = कितना हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आपको दे करके जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। थर्ड जो तरीके का क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, निगेटिव में भी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको करके जाना है। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि यही क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन करके जाना है। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि और किस चीज़ पर फोकस करना है सो दैट कि आपका रिजल्ट बहुत सही हो सके। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखिए tan inverse A+ tan inverse B पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ये आता ही आता है एग्जाम में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये शॉर्ट आंसर रहेगा, 3-4 नंबर जो भी मार्क्स का आता है आपका, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात अगर अगले क्वेश्चन का करें तो कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्या रहेगा, वैल्यू फाइंड करना, ए और बी का लिखा रहता है ना, ए और बी का वैल्यू, के का वैल्यू, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। मैं आपको पूरा बात बताऊंगा लास्ट में कि कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन। इसके बाद डिफरेंशिएशन में कैसा डिफरेंशिएशन आ रहा है, मोस्टली आ रहा है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, मोस्टली आ रहा है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको पूरा प्रैक्टिस करके जाना है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चन को। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहला पार्ट तो ये हो जाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या कि किस इंटरवल में बढ़ेगा या किस इंटरवल में घटेगा, ऐसा क्वेश्चन। आपको फंक्शन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल y = x² दे दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, और उसमें पूछा जाएगा कि ये जो आपका फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मतलब हम लोग किसी भी फंक्शन का, गिवन फंक्शन का क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमको दोनों चीज़ भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा हम लोग वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन आपको ये कर लेना है, ठीक है, ऐसा मतलब पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें हम लोग एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व में कैसा क्वेश्चन करेंगे आप, एरिया अंडर द कर्व में करिएगा रिपीटेड क्वेश्चन। कहाँ से, सोर्स में लास्ट में बता रहा हूँ आपको कहाँ से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर और 3D, वेक्टर 3D को मैं साथ में रखा हूँ यहाँ पे। वेक्टर 3D में प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, डायरेक्शन रेशियो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन भी आ सकता है,
उसका एप्लीकेशन, जैसे एरिया फाइंड करने के लिए ट्रेंगल का, पैरेलोग्राम का फाइंड करने के लिए एरिया, इस तरीके का क्वेश्चन। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी कहाँ से पढ़िएगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल रहा है, ठीक है, लिंक हम लोग यहाँ पे आपको दे दे रहे हैं, उस लिंक पर जाकर के देख लीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन और किस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा वो चीज़ करना है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात समझिए आप, इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइप, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा आप, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से, वहाँ से आपको पूरा पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली मतलब ये नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसी में से कुछ क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक पे जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिएगा, वहाँ से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये उन स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बनाया है जो कि बार बार कह रहे थे कि सर हमको कुछ हेल्प कर दीजिए। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपको लगता है कि नहीं ये सफिशियंट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको बहुत अच्छा यहाँ से आइडिया मिलेगा, और अगर ठीक ठाक अगर पढ़ लिया आप, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो लिंक पे वीडियो दिया हुआ है उसको देखना मत भूलिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक रामबान है, क्वेश्चन बैंक आपको बनाना ही बनाना है, क्लियर हो गया। ये मैथ्स के स्टूडेंट के लिए था, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और भी किसी सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है इस तरीके का वीडियो का, तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसा वीडियो बनाया जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।